जबरदस्त लग रहा है, चलो जबरदस्त देख लो। डीट है वो, डीट है, डीट है वो, डीट है। अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 8 और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। ये देखो यार कहाँ से हो रही है, ये ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है चंबा का हॉस्पिटल। और सुबह सुबह जो है हम लोग यहाँ आ गए हैं क्योंकि जिस भाई के साथ मैं यहाँ हूँ ना चंबा में, तो उसकी वैसे तो 2-3 दिन से ही तबीयत ख़राब चल रही थी और आज सुबह जो है कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हुई। वैसे इश्यू तो फीवर का था बस, थोड़ा और कुछ ना निकले यार, बस यही दिक्कत है। और अभी चलते हैं ऊपर, टेस्ट वेस्ट कराते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे अभी कचरे पर्ची, हॉस्पिटल में आए थे तो यहाँ पे CDC का जिसमें चेकअप होता है ना, तो वो है नहीं, तो इन्होंने बोला कि आप लोग जो है कहीं बाहर से ही करवा लो चेकअप, तो अभी बाहर ही जाएंगे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना अक्सर ये होता है, कभी इधर से इधर भगाओ, कभी उधर से उधर, इधर से उधर, इतने में तो बीमार आदमी वो हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी चलते हैं बाहर, बाकी अपने भाई इसको, जबकि मैं बोल भी रहा हूँ कि इसकी तबीयत जो है ख़राब है, इसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को चलाने दे, भाई की जिद है मैं ही चलाऊँगा। तो दोस्तों चेकअप करा के अभी हम आ चुके हैं नीचे, यानी रूम की साइड पे, और चेकअप कराया और उन्होंने बोला कि जो रिपोर्ट जो है ना आपकी आधे एक घंटे में आएगी, तो आधे एक घंटे बाद जाएंगे। उसके चक्कर में यार मतलब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, तो ब्लॉग में जो है अपना इंट्रो भी नहीं दे पाया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। मैंने परसे वाले जो ब्लॉग डाला था ना उसके सारे कमेंट पड़े थे, तो दिल से अच्छा लगा यार कि मतलब इतने लोग जो है सपोर्ट करते हैं। हालांकि 20-25 ऐसे ही कमेंट थे, पर जिनके भी कमेंट थे ना वो मतलब बहुत अच्छे कमेंट थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो है यहाँ से देख सकते हो आप धूप कितनी लेवल वाली हो रही है यार, दोपहर के टाइम पर ना बहुत भयंकर वाली धूप लगी हुई है। और बाकी आधा घंटे बाद ना रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट लेने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या उसमें आता है। किसने बनाया जीना सिखाया मजबूर जैसा। बाकी ये बन चुकी है अपनी खिचड़ी और इसको खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। और अभी दिन का खाना वाना बना के ना आप यहाँ से धूप चेक कर सकते हो कितनी भयंकर वाली धूप हो रही है, ये देखिए। और खाना वाना बना के हमारे जो बड़े भाई जी हैं ना, बड़े भाई जी संतोष नाम है उनका, जो कि चंबा के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो है मुर्गी फार्म का बाड़ा बना रखा है, तो उसी को देखने जा रहा है कि मतलब भाई जी ने कैसा बना रखा है और कैसे कैसे वहाँ पे काम करते हैं। तो ठीक है चलते हैं, देखते हैं हम भी। बाकी आप लोग देख ही रहोगे कि मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि कितना भयंकर वाला जुकाम लगा हुआ मुझे। यहाँ का मौसम थोड़ा अलग ही है, मतलब यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे भी ना ठंड रहती है, वही हालत ही ख़राब है, बोला ही नहीं जा रहा मेरे से। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। क्या जो ये फार्म हाउस है ना वो किस नाम से है? कोठारी डॉग फार्म, फार्म हाउस जी, कोठारी डॉग्स फार्म हाउस जो कि चंबा में है। चंबा में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप जो भोटिया डॉग्स होते हैं ना, तो ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम शेरी है। शेरी कितने साल की है? साढ़े तीन साल की है। अच्छा, और कुछ डॉग्स अंदर है ना, चलिए दिखा दीजिए। तो कुछ डॉग्स है, ये डब्बू है सर, इसका नाम डब्बू है, डब्बू है जी। अच्छा, वो सामने सारे भोटिया है ना? जी 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 जी। तो अंदर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, काटेंगे तो नहीं? कैसे देख रही? तो इतने डॉग्स हैं, कितने डॉग्स हैं पूरे? छह है ना, और छह उससे ज्यादा भी हैं? दूसरी जगह है। अच्छा, ये नए लोगों को देख के तो ज्यादा ही वो हो जाते होंगे ना, वैसे ज़्यादातर ठंडे इलाके में ही होते हैं, चंबा में भी ठंड है इस वजह से यहाँ पे हैं।
और मतलब इनका खाने वाने का सिस्टम क्या होता है? तो इनको दलिया देते हैं, चिकन देते हैं, चावल देते हैं, रोटी देते हैं, दूध देते हैं, अंडे देते हैं। अच्छा, जैसे मतलब आप लोग इनको खिलाते हो जी। तो अपनी तरफ से खिलाते हो या मतलब सरकार की तरफ से? ऐसे होता अपनी तरफ से। अब वैसे सरकार को भी बोला था आपने क्या? नहीं, हमने नहीं, हमारे दूसरे भाई ने बोला था, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा बबर है। अच्छा, खाने वाने का कुछ यहाँ बाहर पे रखा हुआ ना? खाने का चिकन बन रहा है उनके लिए। तो ये यहाँ पे चिकन है इनके लिए। चिकन है ना जी। ये इनका चिकन बना हुआ है। अच्छा, तो इनके लिए बना हुआ चिकन वगैरह। अब चावल बनेंगे इसी। चिकन और चावल दोनों खाते हैं? दलिया चिकन चावल मिक्स करके बनाते हैं। अच्छा, दलिया हो गया, चिकन हो गया, चावल हो गया, यही खाते हैं बस जी। रोटी देते हैं, अंडा, दूध, रोटी। अच्छा, इन जो ये जो डॉग्स है ना, इनके आपने नाम रखे हुए ना जी, अलग अलग नाम रखे हुए, तो इसका नाम क्या है? डब्बू हो गया जी, जी। ये रिकी है। रिकी? अच्छा, वो ये बब्बर है। बब्बर, ओ भाई, नाम के साथ ही है, मैच कर रहा है पूरा। अब वो छोटी शेरी है। छोटी शेरी जी। अच्छा, तो लेडीज ये तीन है ना जी? लेडीज है, चार है। चार लेडीज हैं और दो जेंट्स। बब्बर ठीक है, फीमेल है। और भैया ने ना साथ ही साथ जो है यहाँ पे मुर्गी फार्म है जी। मुर्गी फार्म भी खोला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से अंदर देख सकते हो आप। सारी इतनी मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ जो है यहाँ पे मुर्गी फार्म भी खोला हुआ है। तो भैया जो है कुल मुर्गियाँ कितनी है यहाँ पे? मुर्गियाँ इस समय भी लेवल होगी 1500-20। 1500-20। और मुर्गा? मुर्गे दो है। दो मुर्गे जी। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब इसके साथ साथ जो है ये भी करा हुआ आपने जी। चलो बहुत अच्छी बात है। और खाने वाने का क्या होता है इनका? इनका तो भाई साहब बाहर से दवा लाते हैं, दाना आता है इनका। दाना आता है। अच्छा, नवंबर तो इनके बच्चे हो जाएंगे? नवंबर दिसंबर तक दोनों के, तीनों के बच्चे हो जाएंगे। अच्छा, जैसे बच्चे होते तो वाला अपने पास रखते हो या बेच देते हो? सेल कर देते हैं। सेल हो जाते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे अकेले रहते हो या आपके साथ भी कोई और काम करता है? दोनों रहते हैं। अच्छा, आपके साथ ये भाई रहते हैं जी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका दूसरी जगह भी है जी। तो मतलब इनका वो क्या होता है, जैसे अभी दिन को सोए हुए हैं, रात में पड़े हैं, रात को उठे ही रहेंगे? ओके, किसी को पूछने नहीं देंगे, अगर हम नहीं हैं तो हमारे उसमें कोई नहीं आ सकता यार। हाँ हाँ, ये सही है। देखो ना कैसे सोए हुए, नींद पूरी कर रहे कि रात को हम अच्छे से उठे रहे, है ना। हाँ, ये रहा ना। चलो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। उठेगा ही नहीं वो, ये देखो ना कितना भयंकर लग रहा है उसका जबड़ा, कितना जबरदस्त लग रहा है। चलो जबड़ा ही देख लो। तो इसकी आवाज भी बहुत भयंकर है। बाय बाय, फाड़ देगा। हाँ, दिखने में ही भयंकर लग रहा है वो। मतलब हम इस काम को, मम्मी है, मम्मी 3 साल से इस काम को कर रहे हैं। तीन साल हो गए, ब्रीडिंग कराते कराते इनकी। अच्छा अच्छा, लेकिन भाई मतलब सरकार की तरफ से आपके लिए कुछ नहीं है? कोई नहीं, कुछ नहीं। वैसे आपने बोला तो होगा, हमने क्या, हमारा वो है दूसरे भाई है अखिलेश, उन्होंने कई बार गुहार लगाई है, ना तो अभी कोई दर्जा मिला हुआ है, कुछ नहीं है। अभी हम इनकी प्रजाति बचाने में लगे हैं, जितने भी वो है। सही है, देखी होगी ये ब्लैक वाली है, जो इसके बच्चे अभी 10-15 दिन बाद हो जाएंगे। इस वाली के? ये देखी है। मुर्गे के पंजे वगैरह चावल के साथ रोटी मिक्स, मतलब सब मिक्स करके देते हैं बोटियों को। सब बोटी की सबसे बड़ी खासियत है, ऐसे मतलब जो हम खाते हैं वही दे सकते हैं सब कुछ। मतलब ऐसा कोई अलग से डाइट नहीं है, जैसे हॉट डॉग्स को रखने में होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बोटिया को रखने में। बोटिया को रखने में मतलब सबसे इजी जो ब्रीड है पालने के लिए वो रख सकते हैं, बोटिया सबसे बेटर चॉइस होगी, देख सकते हैं।
ये हमारा बब्बर, इसे प्यार से हम विभू भी बोलते हैं। विभू ये डब्बू है। तो दोस्तों वैसे तो मेरे को डॉग से डर नहीं लगता था, पर एक दिन जब एक डॉग ने मेरे को काटा ना, ऐसा काटा ना, तब से मेरे मन में जो है डर बैठ गया है। और अगर आप लोगों को जर्मन शेपर्ड और भोटिया डॉग्स अगर चाहिए होंगे ना, तो मैं इनका नंबर ले लूँगा और नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डॉग्स चाहिए होगे तो ये आपको आराम से दे सकते हैं।